प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 24 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, करियर और परीक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी, संपत्ति और विवाह के मामले आपके हल होंगे, लेकिन मुकदमेबाजी से और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप एक साथ पूजा करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने व्रत रखा, आपको दिन भर याद रहा, शाम को अचानक से आप भूले, आपने अन्न खा लिया, कोई खाने वाली चीज खा ली, अब व्रत टूट गया। तो क्या ये गलत है और क्या करना चाहिए अगर व्रत टूट जाए? देखिए, अगर गलती से बिना किसी इंटेंशन के जल्दबाजी में व्रत टूट गया है तो इसमें कोई पाप या अपराध नहीं है, टूट सकता है, इंसान है, गलती हो सकती है। ऐसा होने से ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी और अगली बार से पुनः व्रत की शुरुआत कर लीजिए। व्रत तब टूटता है जब मन बिल्कुल अटैच नहीं होता। व्रत आप रखते हैं किसी के कहने पर, या रखना है तो रख लिया, मन अटैच नहीं है। अगर मन अटैच होगा तो ज्यादातर मामलों में व्रत टूटने की संभावना बनेगी ही नहीं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हम आज बात कर रहे हैं धनु लग्न की, तो आज का महा उपाय भी धनु लग्न से संबंधित है। अगर आपका लग्न धनु है और करियर में समस्याएं आ रही हैं तो क्या करेंगे, रोज सवेरे जल में रोली या कुमकुम मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करिए और अपने सोने के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी करियर संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। देखिए, धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है और अष्टम भाव के स्वामी को ज्योतिष में सबसे ज्यादा निगेटिव माना गया है। इसलिए सामान्यतः आप धनु लग्न में अष्टम भाव के स्वामी का रत्न यानी मोती नहीं पहन सकते, लेकिन विशेष दशाओं में आप धनु लग्न में मोती धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आपके आयु में वृद्धि होगी। खास तौर से चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है या अष्टम भाव में स्वयं विद्यमान है और ऐसी स्थिति में आप मोती पहनते हैं सलाह लेकर के, तो स्वास्थ्य की रक्षा होती है और आयु की वृद्धि होती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।